स्वतंत्रता सेनानी परिवार एवं आश्रित संघ की राज्य स्तरीय बैठक हमीरपुर में हुई, जिसमें बिलासपुर जिला से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुखराम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। बैठक में संघ ने प्रदेश सरकार से स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के गठन में उपाध्यक्ष पद पर स्वतंत्रता सेनानी की तैनाती की मांग की है। इसके साथ ही इन परिवारों ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में जारी बैकलॉग को भरने की मांग भी की है। प्रदेश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों ने राज्य कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें पुरुषोत्तम कालिया को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम कालिया ने कहा कि संघ ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री से मांग पत्र सौंपकर स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की है तथा उसका उपाध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बनाने की मांग के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहिता बेटियों को 5,000 रुपए पेंशन लगाने की अधिसूचना जारी करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में लगभग 800 के करीब बैकलॉग चला है, जिसे शीघ्र अति शीघ्र भरने की मांग करने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में कुछ मांगों पर भी चर्चा की गई, जिनमें मेन थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वतंत्र सेनानी कल्याण बोर्ड जो गठित किया जाता है, उसका उपाध्यक्ष किसी एक स्वतंत्र सेनानी को ही बनाया जाए। दूसरे, हमारे अविवाहित लड़कियों की पेंशन जो है वो 5,000 रुपये रखी है, जबकि उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। इसके साथ ही मेन मांग जो थी हमारे सदस्यों की, जो डेलीगेट आए थे, उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वतंत्र सेनानियों का जो नौकरियां हैं उनका जो बैकलॉग है वो जल्दी से जल्दी भरा जाए। लगभग 800 के लगभग पोस्टें जो खाली चले आ रही हैं, जिनको सरकार नहीं भर रही है, और लोग जो हैं, हमारे बच्चे और जो हैं, वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बैकलॉग भरा जाए और हमें सरकारी नौकरी मिले। हमारा मुख्यमंत्री जी से भी और हिमाचल सरकार से भी आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इन पोस्टों को जो है वो निकाला जाए और भरने के ऑर्डर जो है वो दिए जाएं।